ये है माखन मिश्री और बहुत ही टेस्टी है और ओनली 20 रुपए की है, हनुमान गढ़ी के पास मिलती है, आइए और खाइए। हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर जो कि अयोध्या के अंदर मौजूद है और पावन धरती के ऊपर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों को जो है वो भगवान जी के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी मॉर्निंग का समय है, काफी भीड़ है। पाकिस्तानी पहुंचा राम मंदिर हुई भारत देश में अयोध्या राम मंदिर घूमने के लिए। भाई मैं दिखाऊंगा उनका वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से कभी वीडियो आया है जो भी गुस्से में ऐसी बात बोल दी है वो भी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी जो है यूट्यूबर यानी कि इस्लाम देश से आया है हमारे भारत देश में राम मंदिर देखने के लिए, मैं उनका वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान आया है, दुबई से ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी और समझनी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो जो कि राम मंदिर घूम रहा है, पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। हनुमान गढ़ी की तरफ और यहाँ पे जो है काफी भीड़ है और काफी लोग जो लाइन में लगे हुए हैं और ये पूरा जो हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं, तो मैं आप लोगों को लाइन दिखाता हूँ। यहाँ से जो लाइन शुरू हुई है हनुमान गढ़ी के लिए। जय श्री राम। ये है हनुमान गढ़ी और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हर भक्त जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स अभी कुछ ही पल बचे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर के अंदर और आप लोगों को भी हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। तो ये देखें सामने ही हमारे जो है वो हनुमान जी विराजमान हैं और दर्शन करके खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं। आपको जगह जगह दीवारों पर हनुमान चालीसा और मंत्र लिखे हुए नजर आएंगे और ये है हनुमान मंदिर और भगवान श्री राम ने वैकुंठ धाम जाते हुए हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया था, इसलिए जो है अयोध्या में आने के टाइम सबसे पहले जो है वो हनुमान जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है। पास में ही भगवान श्री राम जी और माता सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है और यहाँ पे दीवारों पे जगह जगह आपको जो है वो हिंदी में मंत्र लिखे हुए नजर आएंगे। फाइनली जो है वो हनुमान गढ़ी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा, काफी भीड़ थी, मतलब क्या संडे का दिन है तो काफी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन जी का दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से सर आप? हम कनाडा से। कनाडा से आए हो? मैं और मेरी धर्मपत्नी। अच्छा, पहले भी आप आए हैं? नहीं, पहली बार आए जी। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं अभी जाएंगे, अभी हनुमान जी से परमिशन ली है। अच्छा, अब वहाँ जाएंगे। सही से। आपका कौन सा चैनल? विनय कपूर ब्लॉग्स। विनय कपूर ब्लॉग्स। ब्लॉग्स। ओके सर, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। श्योर श्योर। देखें कितनी खूबसूरत गलियां हैं हनुमान गढ़ी की, तो मैं तो यहाँ के कलर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं डमरू वाले भाई साहब भी बैठे हुए हैं और काफ़ी जो है लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस ये है माखन मिश्री और बहुत ही टेस्टी है और ओनली 20 रुपए की है, हनुमान गढ़ी के पास मिलती है, आइए और खाइए। पहुंच चुके हैं राम मंदिर जो कि अयोध्या के अंदर मौजूद है और पावन धरती के ऊपर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों को जो है वो भगवान जी के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी मॉर्निंग का समय है, काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स ये है मंदिर सामने की ओर, तो चलते हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स ये है मंदिर के बाहर का व्यू, देख लो काफ़ी यात्री आए हुए हैं। मंदिर का मुख्य द्वार और अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और देख सकते हैं सभी कर्मचारी जो है वो बारिश के अंदर भी अपनी ड्यूटी को है पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और हम सभी भक्तों के लिए। और इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है। मेन डोर है गाइस मंदिर का। अभी हम अयोध्या धाम के अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं, अब जा रहे हैं हम भगवान जी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स फाइनली आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की ओर जो छतें बनाई जा रही ताकि गर्मी के टाइम जो है भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। तभी हम जा रहे हैं मंदिर जी के दर्शन करने के लिए, तो पीछे काफ़ी यात्री जो आ रहे हैं और सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने अंदर के जो मतलब भावनाएं हैं, जो वर्ड्स है वो बयान नहीं कर पा रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। और भगवान जी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया दर्शन करने के लिए, तो गाइस बने रहे, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी दर्शन करवा पाऊँ और आगे सेल्फ ले जाना अलाउ नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स तो फाइनली मुझे एक कपूर मिल चुका है, तो आपका नाम क्या है? समृद्धि कपूर। यू मे सर्च ऑन गूगल एज़ वेल। ओ भाई साहब। अच्छा, तो आप पहली बार आए हो? जी। किसके साथ आए हो? अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ बस दो लोग ही आए हो? जी। अच्छा, पंजाब में कौन सी जगह से हो? अबोहर, बठिंडा के पास। बठिंडा के पास में आए हैं, तो ये समृद्धि कपूर है और हम दोनों कपूर को आप फॉलो करो, जितना सपोर्ट करो। तो मंदिर में आने के बाद आपको मतलब कैसा लग रहा है? लिटरली बहुत भावुक है, इतना मतलब भगवान जी ने बुलाया वो भी इतनी जल्दी। अच्छा, ठीक है। तो जय श्री राम। सो गाइस देख सकते हैं काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए।
फ्रेंड्स आ चुके हैं मंदिर के हॉल के अंदर। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे जो है मंदिर को बनाया जा रहा है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सुबह सुबह का समय है। देखो काफ़ी भीड़ आ चुकी है और हर तरफ जो है वो जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और बहुत ही दिल को मोह लेने वाला व्यू है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है राम जी के दर्शन करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। भगवान जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और दर्शन कर सकूँ। इस तरफ पानी का स्टॉल लगा हुआ है और काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स पूरे मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही सालों बाद जो है इस मंदिर का पूरा लुक ही चेंज होने वाला है। तो अभी हम चल रहे हैं लॉकर रूम की तरफ और अपना जो सामान वो लॉकर रूम में रखेंगे। इस तरफ लॉकर है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, अपना कीमती सामान वगैरह रख सकते हैं। फ्रेंड्स भगवान श्री राम जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और मंदिर के अंदर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है, ये मैंने कुछ क्लिप्स ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए और बाहर जो है मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके जो सेल फोन लिया था ताकि मैं थोड़ा सा बाहर से भी व्यू दिखा सकूं। सो फ्रेंड इस मंदिर के अंदर जो सीमेंट का बिल्कुल सुना के यूज़ नहीं किया गया और इसका जो पत्थर टोटल है वो राजस्थान से यूज़ किया गया है और ये मंदिर जो हज़ारों साल तक ऐसे ही चमकता रहेगा। फ्रेंड्स दर्शन वगैरह करके बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं अब बिल्कुल जो एग्जिट होने वाले हैं और यहाँ पे आपको जगह जगह जो मंकी मंदिर मिलेंगे और ये है हमारे पीछे मंदिर। जय श्री राम, जय श्री। फ्रेंड्स पूरे राम मंदिर के अंदर और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं तो ये देखें काफ़ी काम जो है वो चल रहा है और अभी हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आप शूज़ वगैरह आपने जमा करवा सकते हो तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, मतलब आने वाले यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। तो ये देख सकते हैं राम जी के दर्शन करने के बाद रूह जो है वो मन मुक्त हो जाती है और बस राम और राम और राम जी का नाम। फ्रेंड इस पेड़ में खूबसूरत लाइटें लगाई हुई हैं जो रात के समय बहुत ही सुंदर दिखती हैं। फ्रेंड दर्शन वगैरह कर लिए हैं अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं कनक भवन की तरफ, वो चंद ही कदमों की दूरी पे है। तो गाइस चलते हैं। यहाँ पे छोटी शॉप्स है जहाँ से जो मंदिर का सामान मिलता है, प्रसाद वगैरह और बाकी चीज़ें जो मंदिर के काम आती हैं। पहुँच चुके हैं कनक भवन जहाँ पे जो भगवान श्री राम जी सीता माता के साथ रहते थे। तो ये भी अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। जब मैं आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम हर तरफ चल रहा है, हर रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले ये रोडें जो है वो बहुत छोटी हुआ करती थी लेकिन लोगों ने जो है वो अपने घर के फ्रंट तोड़कर जो मंदिर के लिए भगवान श्री राम जी के स्वागत के लिए जो है वो अपने घरों को तोड़ा और उनको पीछे किया और जो है गवर्नमेंट ने उनको उसका मुआवजा भी दिया। सो उन्हीं सभी लोगों के लिए, उन्हीं सभी भक्तों के लिए एक लाइक तो बनता है। जगह जगह पे यहाँ पे जो है वो इको साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं जिसके अंदर जो 24 घंटे भजन जो चलते रहते हैं। हम आ चुके हैं लता चौक पे और देख सकते हैं ये है यहाँ का व्यू और अब चलते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स ये है लता चौक जहाँ पे जो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं और अभी मैं यहाँ से जो जाने वाला हूँ सरयू घाट की ओर। अभी हम आ चुके हैं सरयू घाट में जो कि अयोध्या के अंदर मौजूद है और ये वही नदी है जहाँ पे जो है श्री राम जी ने स्नान किया था। तो ये नदी जो है बहुत ही पावन मानी जाती है मतलब के, तो आप लोगों को जो है इसके दर्शन करवाते हैं और मैं भी फर्स्ट टाइम जो है सरयू नदी के किनारे आया हूँ तो मुझे भी यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं ये है कुछ बैक का व्यू सरयू नदी का और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को जो है सरयू नदी के पूरे पूरे दर्शन करवाते हैं। फ्रेंड्स ये है सरयू घाट, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ का। ये है गाइस बोट, इसके अंदर अभी हम बैठने वाले हैं और जाने वाले हैं सरयू की और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी बोट में बैठ चुके हैं और बारिश जो है तेज हो गई है और ये है सरयू घाट और ये है सभी यात्री। जय सियाराम। सो फ्रेंड्स ये है वो पावन नदी सरयू घाट और देखें कितना खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। फ्रेंड सरयू घाट के दर्शन करके आ चुके हैं फाइनली। तो बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। फ्रेंड्स फाइनली जो है वो नाव से घूम के आ चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। ये है श्राम घाट और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत व्यू है और पानी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साफ है सरयू नदी का। तो
ये देखें भैया बिल्कुल क्लीन पानी है, ठीक है ना। तो ये है सरयू घाट, बहुत ही खूबसूरत अति सुंदर व्यू है भैया। और हम भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि वापस जाने का समय हो चुका है और राम जी जो बारिश के थ्रू कृपा कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया खूबसूरत व्यू क्या हो सकता है। आपने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर कैसे राम मंदिर घूम रहा है, तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है जरूर एक कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से अपने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। पहले आप दुबई से का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई से। एक आदमी को हम भी बोला सुनो ये बात मेरा भाई, एक आदमी ने बोला, हम बोला तुम क्यों पैसा दिया, वो बोला वो पैसा पकड़ के भी हमारा फोन को जवाब भी नहीं देते। हम बोला अच्छा तुम क्यों पैसा दिया, मालूम हमको क्या बोला, वो बोला वो अरबी का तुम्हारा जैसा कपड़ा पहना था। देखो तुम लोग क्यों नहीं समझते, चोर चोर होता है, शायद वो अरबी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, किधर से भी हो, चोर चोर होता है, तुम लोग क्यों नहीं समझते। बहुत आदमी देखते हैं ऐसा कपड़ा आदमी पहना है, खलास ये तो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि ये लोकल है, ये अरबी है। बाबा चोर चोर होते हैं, चोर किधर से भी निकलता है, तुम नहीं जानते क्यों तुम लोग भरोसा करते हैं। जब तक तुम्हारा कब, और हमको एक आदमी दिखाओ जो वो खाली वाली वीजा पकड़ा है जैसा तुम लोग बोलते हैं, वो खुश है, हमको दिखाओ। किधर भी काम नहीं कर सकते और नहीं सकते, उसका हक भी मांगिएगा क्योंकि वो खुद एक जुर्म किया है और तुम लोग ऐसा कर। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है, दुबई शेख हमेशा गुस्से में और हमेशा लेबर के लिए, वर्कर के लिए हमेशा अपडेट देते रहता है। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।